नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विदेश जाने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करेगी राज्य सरकार। 9 जोड़ी ट्रेनें इस दिन से लौटेंगी पटरी पर। गृह मंत्री आज आ रहे हैं पटना। बिजली महोत्सव के ग्रैंड फिनाले में पीएम मोदी से जुड़े बिहार के 5 जिलों के लाभार्थी। अमित शाह और जेपी नड्डा से नहीं मिल सकेंगे नीतीश कुमार। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विदेश जाने वाले कामगारों के हितों की रक्षा करेगी राज्य सरकार। बिहार सरकार कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। ऐसे में अब समुद्र पार नियोजन ब्यूरो वैसे आवेदन जिन्हें विदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त हो गया हो उन्हें प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। इसको लेकर बोलते हुए श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में अब तक 1680 लोगों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आपको बता दें कि वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया में नियोजनालयों में प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा प्रदेश के 18 अन्य जिलों में इस तरह के प्रशिक्षण केंद्र खोलने को लेकर विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे एचसी वर्मा की। एचसी वर्मा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। खासकर जो विद्यार्थी हैं और खासकर विज्ञान संकाय के हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हरीश चंद्र वर्मा यानी एचसी वर्मा कौन है। हरीश चंद्र वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1952 को बिहार राज्य के दरभंगा जिले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता एक शिक्षक थे। प्रारंभ में गणित और विज्ञान की शिक्षा उनके पिताजी ने ही दी। स्कूल के दिनों में इन्हें विज्ञान और गणित में ज़्यादा रुचि नहीं थी। हालांकि कंप्लीट करने के बाद हरीश चंद्र वर्मा ने गेट की परीक्षा निकाली और आईआईटी कानपुर से एमएससी के लिए दाखिला लिया। आईआईटी कानपुर में हरीश चंद्र वर्मा ने सभी लड़कों में टॉप किया और 10.0 में से 9.9 जीपीए हासिल किया। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से ही डॉक्टरेट की पढ़ाई की और 3 वर्षों से भी कम समय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच उनकी भौतिकी न्यूमेरिकल्स की किताब काफ़ी प्रसिद्ध है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए परिवहन कार्यालय में कर सकते हैं आवेदन। अभी तक राज्य के हिसाब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए जाते रहे, लेकिन अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बीएच सीरीज शुरू किया गया है। इसका किसी एक राज्य से संबंध नहीं होगा, यह पूरे देश में मान्य होगा और आप बेझिझक बिहार के नंबर प्लेट से देश भर में कहीं भी गाड़ी चला पाएंगे। आपको ये हम इसलिए बता रहे हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जारी निर्देश पर जिलों के परिवहन कार्यालय से भी गाड़ियों का बीएच सीरीज का नंबर मिलना शुरू हो गया है। वहीं भागलपुर परिवहन कार्यालय से खबर आई है कि लोग इसके लिए आवेदन भी दे रहे हैं। यहां 3 आवेदन आए थे जहां 1 स्वीकृत और 2 अस्वीकृत किए गए हैं। 9 जोड़ी ट्रेनें इस दिन से लौटेंगी पटरी पर। रेलवे एक बार फिर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि रेलवे इन दिनों पटरियों पर काम कर रहा है जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार में तेजी लाया जा सके और यात्रियों को कम परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में अब रेलवे ने 9 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की बात कही है जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2022 से होनी है, जिसमें गाड़ी संख्या 1551 दरभंगा वाराणसी सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस, 3 गाड़ी संख्या 03649 बक्सर बनारस मेमू पैसेंजर स्पेशल सहित 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि यह संक्षिप्त जानकारी है, विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। प्रधानमंत्री संवर्धन योजना के तहत इन गांवों का हुआ चयन। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में निरंतर प्रयासरत है। ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन गांवों और बसावटों को विकसित करने की योजना बनाई है जहां हस्तशिल्पियों की बस्ती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री संवर्धन योजना के तहत इन गांवों और बसावटों को विश्वकर्मा गांव के तौर पर विकसित किया जाएगा। इससे यह होगा कि पर्यटक यहां आकर स्थानीय शिल्प देख और इसके बारे में विस्तार से जान सकेंगे। जिले में इस तरह के कम से कम 3 स्थल हैं जिन्हें विश्वकर्मा गांव के रूप में पहचान मिल सकती है। इसमें मुजफ्फरपुर के बोचहा, सकरा और शहर का इस्लामपुर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें शहर के इस्लामपुर और सकरा के बघनगरी में लहठी, बोचहा के सफुर्दी नगर में सुजनी कला, सुस्ता में टिकुली कला और बांसुरी कला शामिल है। RCFL मुंबई ने विभिन्न पदों पर निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL मुंबई ने मार्केटिंग ऑफिसर के कुल मिलाकर 18 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को साइंस, एग्रीकल्चर या किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री के साथ ही
मार्केटिंग या एमएमएस या अग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 12 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rcfltd.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के 200 सीओ भूमि सुधार मंत्री के रडार में। बिहार में जमीन का जमाबंदी कराना भी एक टास्क है। जमीन खरीदने से ज्यादा कष्टदायी जमीन की जमाबंदी कराना है। आपको बता दें कि राज्य भर में करीब 20,000 आवेदनों के अकारण रद्द किए जाने का अनुमान है। दरअसल अंचलाधिकारी यानी सीओ ने अपना प्रदर्शन बेहतर दिखाने के चक्कर में दाखिल खारिज से जुड़े आवेदनों को बिना कारण बताए धड़ाधड़ रद्द कर दिया है। इसकी सूचना मिलने पर विभाग ने इन सभी 200 सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि जिन्होंने बेवजह लोगों के दाखिल खारिज आवेदन रद्द किए हैं, विभाग ऐसे सीओ पर कार्रवाई करेगी। जांच के दायरे में आए 200 सीओ में से कुछ ने अपना जवाब भी विभाग को भेज दिया है, जबकि कुछ के आने बाकी है। सुहागिनी स्त्रियां आज मना रही हैं हरियाली तीज। आज देश भर में सुहागिनी स्त्रियां हरियाली तीज का व्रत मना रही हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज का पर्व 31 जुलाई को मनाया जा रहा है, यानी आज मनाया जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का पुनः मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी महिलाएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। गृहमंत्री आज आ रहे हैं पटना। बिहार में भाजपा के सातों मोर्चा की कार्यकारिणी समिति की बैठक के उद्घाटन समारोह में बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे, जहां बिहार भाजपा ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आज बिहार में भाजपा की 2 दिवसीय बैठक का समापन समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आ रहे हैं। अमित शाह दिन के 1:30 बजे के आसपास पटना एयरपोर्ट पर आएंगे, फिर केंद्रीय मंत्री मौर्य होटल पहुंचेंगे। इसके बाद अमित शाह 3:30 बजे के आसपास ज्ञान भवन में कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय में नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यहां दिया जाएगा मुफ्त प्रशिक्षण। युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने और सुधारने के साथ साथ अंग्रेजी और विश्लेषणात्मक तर्क में कौशल बढ़ाने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अगस्त से पटना के नियोजन भवन में शुरू होगा। श्रम संसाधन मंत्री जुवेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना जिले के युवकों युवतियों को 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कॉर्पोरेटिव एक्टिविटी एंड सॉफ्ट स्किल्स, रिज्यूम बिल्डिंग एंड इंटरव्यू फेसिंग स्किल्स, एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण होगा, ताकि वह किसी तरह के इंटरव्यू का सामना आसानी से रोजगार सुनिश्चित कर सके। प्रशिक्षण के बाद सफल अभ्यर्थियों को टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। त्रिमोहिनी संगम के पास आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। त्रिमोहिनी संगम बिहार राज्य के कटिहार जिला के कटरिया गांव में निकट स्थित नदियों का संगम है। यहां प्रमुख रूप से कोशिका गंगा में मिलन होता है, जिसके साथ ही कलबलिया नदी की एक छोटी धारा की उत्पत्ति होती है। त्रिमोहिनी संगम भारत की सबसे बड़ी उत्तरवाहिनी गंगा का संगम है। 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। त्रिमोहिनी संगम की सहायक नदी कोसी किनारे किया गया तटबंध, जो कि गाइड बांध झील के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 150 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति मौजूद है। संगम के समीप ही बाबा बटेश्वरनाथ का प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने नए आयुर्वेदिक केंद्र का किया उद्घाटन। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ करने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहटा स्थित सीताराम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। उसके बाद आश्रम में बने एक आयुर्वेदिक केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के आगमन पर आश्रम के ट्रस्टी डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आश्रम के विकास को लेकर किसान नेताओं ने मुलाकात भी की।
नेपाल में हो रही आफत की बारिश से कोसी उफान पर। इस साल मानसून के महीने में पर्याप्त बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के अधिकतर जिलों में सूखे की स्थिति है। खासकर दक्षिणी बिहार की सभी नदियां सूख चुकी हैं। आसान शब्दों में कहें तो बिहार का अधिकतर क्षेत्र सूखे की स्थिति से ग्रस्त है, लेकिन नेपाल में हो रही आफत वाली बारिश की वजह से सीमांचल की नदियां उफान पर हैं। बागमती के नेपाल स्थित जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा भी हुई है, जिसका असर 2 से 3 दिनों में खगड़िया में दिखेगा। खगड़िया में बीपी मंडल सेतु के आसपास बागमती नदी कोसी से संगम करती है। खगड़िया के बलताड़ा में कोसी खतरे के निशान से 0.15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बिजली महोत्सव के ग्रैंड फिनाले में पीएम मोदी से जुड़े बिहार के 5 जिलों के लाभार्थी। देशभर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के तहत सप्ताह भर चलने वाला बिजली महोत्सव मना रहा है। वहीं बीते दिन 30 जुलाई को बिजली महोत्सव का समापन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश के 100 से अधिक जिलों के बिजली क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़े। इनमें बिहार की राजधानी पटना, नालंदा, सुपौल, मुजफ्फरपुर और भोजपुर के भी लाभार्थी शामिल थे। वहीं बिजली महोत्सव कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल सोलर रूफ टॉप पोर्टल का भी शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर पीएम ने कहा कि 2047 में जब भारत की आज़ादी का 100 साल पूरा होगा, उस समय हम देखेंगे कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। इसके मद्देनज़र हम नित नई ऊँचाई छू रहे हैं। बारिश बिहार वासियों को दे सकती है राहत। बिहार में गुरुवार से बारिश का सिलसिला कुछ क्षेत्रों में और तेज हो गया है। ठंड के को लेकर प्रदेशवासियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। आईएमडी ने 31 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले 29 और 30 जुलाई को पूरे प्रदेश में सामान्य से मध्यम बारिश भी दिखी। कुछ एक स्थानों पर बिहार में भारी बारिश की भी आशंका है। वहीं बीते दिन देर शाम राजधानी पटना में 56.8 mm बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे में विशेषकर उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश के आसार हैं। इधर पटना के ठीक ऊपर से मानसून की ट्रफ लाइन गुजर रही है, इससे बारिश की संभावना और बढ़ जाती है। नड्डा ने कहा, पटना की धरती पर आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बिहार में भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए बीते दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। यहां आकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने एयरपोर्ट से जेपी गोलंबर तक रोड शो किया। जेपी गोलंबर के पास स्थित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मैं अपनी जन्मस्थली आया हूं, पटना आकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपने जीवन में जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उनकी धरती पटना आने का मुझे मौका मिला है। जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए उन तमाम बातों को याद करने का सौभाग्य मिला है। अमित शाह और जेपी नड्डा से नहीं मिल सकेंगे नीतीश कुमार। बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक कार्यकारिणी समिति की बैठक 30 और 31 जुलाई को संपन्न होगी। इस मौके पर बीते दिन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज गृह मंत्री अमित शाह पटना आने वाले हैं। बिहार प्रवास के दौरान इन दोनों नेताओं की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को एकांत कर रखा है। दोनों नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने के संबंध में अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीमार हैं, हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से वो पीड़ित हैं, ऐसे में उनका किसी से मिलना कैसे संभव है। भाजपा की बैठक से जदयू की बेचैनी बढ़ी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के नेताओं का पटना में जुटान कर रखा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं ने यह भी ऐलान कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर अपने चुनावी तैयार करेगी। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर हैं और आज अमित शाह भी आ रहे हैं, ऐसे में जदयू की बेचैनी बढ़ गई है। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बीते दिन इस बात का खुला ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी की 243 सीट पर तैयारी कर रही हैं। ललन सिंह ने जब एनडीए गठबंधन और जेडीयू बीजेपी के बीच रिश्तों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि गठबंधन की मजबूती को किसी तराजू पर नहीं तोला जा सकता है, लेकिन सभी दल 243 सीट पर तैयारी करने को स्वतंत्र हैं। पप्पू यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। पप्पू यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज पटना में देश भर के जुमलेबाज नेता पटना पहुंचे हैं, जनता का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल पटना में 20 से 25 करोड़ का झंडा लगाया गया है। बिहार के लोगों को इन जुमलेबाजों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए और अग्निवीर को वापस लेने के साथ साथ बिहार को सुखाड़ राज्य घोषित करने की लड़ाई लड़नी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी को रोजगार, महंगाई, सुखाड़, अग्निवीर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार के लोग महंगाई से त्रस्त हैं, मध्यम वर्ग से लेकर व्यवसाय वर्ग के लोग कर्ज के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। वहीं गरीबों को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, दिखावे के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, इससे बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है।
इस दिन राजद करेगी आक्रोश मार्च। एक और भाजपा बिहार में ऐतिहासिक बैठक कर रही है, दूसरी ओर जदयू भी 5 दिनों की बैठक बीते दिन आरंभ कर चुकी है। वहीं अब जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर महागठबंधन ने आगामी 7 अगस्त को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च का आह्वान किया है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाला प्रतिरोध मार्च ऐतिहासिक होगा, इसमें बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए सभी जिलों में महागठबंधन द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। निचली इकाइयों से लेकर प्रदेश स्तर पर संयुक्त रूप से और दल के स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। पार्टी के द्वारा जारी पोस्टर में राजद सुप्रीमो लालू यादव और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी भी दिख रही हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को स्वयं को मंगोल का राजा घोषित किया। मद्रास प्रेसिडेंट क्लब ने 31 जुलाई 1924 में रेडियो प्रसारण संचालित करने का बीड़ा उठाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 31 जुलाई 1933 में हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ा। भारत ने सबसे पहले राज्य परिवहन सेवा पश्चिम बंगाल में राज्य परिवहन निगम की स्थापना 31 जुलाई 1948 में की गई। प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद्र का जन्म 1880 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध विद्वान भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का जन्म 1907 को हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म 1916 को हुआ था। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मुमताज का जन्म 1947 को हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवक आशुतोष दास का निधन 1941 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन 1980 को हुआ था। सौरभ गांगुली करेंगे मैदान पर वापसी, कर रहे हैं तैयारी। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली जल्द ही क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे। जी हां, गांगुली लीजेंड्स लीग क्रिकेट के दौरान एक्शन में नजर आएंगे, इसकी घोषणा खुद सौरभ गांगुली ने की है। गांगुली ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि वो लीजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 2 में एक स्पेशल मैच का हिस्सा होंगे। सौरभ गांगुली ने सोशल मीडिया पर खुद की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो जिम में पसीना बहा रहे हैं। गांगुली ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, आजादी का महोत्सव के लिए एक बार के चैरिटी फंड जुटाने के लिए खेल के लिए तैयार होने के लिए प्रशिक्षण का आनंद ले रहा हूं। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और साथ ही दिग्गज लीग क्रिकेट के शीर्ष दिग्गजों के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जल्द ही कुछ क्रिकेट गेंदों को हिट करने की आवश्यकता है। आपके स्मार्टफोन की बैटरी कहाँ और कितनी हो रही है खर्च, ऐसे लगाएं पता। स्मार्टफोन खरीदते समय लोग बैटरी बैकअप का पूरा ध्यान रखते हैं। आजकल के समय में लोगों के पास अपने स्मार्टफोन को बार बार चार्ज करने का टाइम नहीं होता है। ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कितना बैटरी कहाँ खत्म हो रहा है। बता दें कि एंड्रॉयड कोई ऐसा सीधा फीचर ऑफर नहीं करता है जिससे फ़ोन के बैटरी हेल्थ देखा जा सके। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन ऐप ऑन करना होगा, उसके बाद *#*#4636# डायल करें। टेस्टिंग मेनू के पॉपअप बनकर आ जाएगा। यहां आपको बैटरी डिटेल जैसे लेवल, बैटरी टेम्परेचर आदि की जानकारी मिलेगी। बिहार के इन जिलों से होकर गुजरेगी सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे। बिहार का पथ निर्माण विभाग राज्य के ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी जाने के लिए सुगम और सरल मार्ग बनाने की कोशिश में निरंतर काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार भी इसको लेकर सजग है। आपको बता दें कि इस संबंध में NHAI पूर्णिया के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि एक्सप्रेसवे निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे की कुल प्रस्तावित लंबाई करीब 519 किलोमीटर है, जिसमें 84 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहेगा। ये गोरखपुर से शुरू होकर देवरिया और कुशीनगर जनपद जोड़ते हुए बिहार में प्रवेश करेगा। सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेसवे बिहार के दर्जन भर जिलों में होकर गुजरेगा। पहले इसमें गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल था। वहीं अब सहरसा और मधेपुरा को भी शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। बिहार में मिले COVID-19 के 300 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 266 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1386 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 9, औरंगाबाद में 5, बांका में 2, भागलपुर में 27, भोजपुर में 8, बक्सर में 1, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 7, जहानाबाद में 2, कैमूर में 16, कटिहार में 20, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 5, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 4,
4, नालंदा में 3, नवादा में 1, पटना में 84, पूर्णिया में 9, रोहतास में 3, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 2, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1, सारण में 4, सिवान में 3, सुपौल में 21 और वैशाली में 7 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,17,924 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 304 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, मिसबाह अदनान, अबोध कुमार, रविशंकर, आकाश कुमार सिन्हा, भान प्रकाश मौर्य, ऋतु रानी, प्रीति कुमारी, संध्या यादव, पीयूष कुमार, नीरज कुमार और महेश दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपके क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में समुचित शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है? क्षेत्र का नाम सहित अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।